हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनएकेडमी। और मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग आपके सामने लेके आए हैं उसका नाम है सिकंदर का आक्रमण, या आज हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में सर्च करने वाले हैं, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सिकंदर कौन था और कैसे वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सारी दुनिया के विजय की ठान ली। तो आज बच्चों, बेसिकली जो हम लोगों की क्लास है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट पर आधारित होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप अंत तक बने रहिए, चूँकि सबसे पहले मैं सिकंदर के बारे में आपको कुछ बताऊँगा कि सिकंदर महान कौन था, कहाँ का रहने वाला था और कैसे जो है दुनिया को जीतने की कोशिश उसने की थी। वो भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में, भारत पर उसका आक्रमण हुआ था। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट पर बेस्ड है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। बच्चों, थोड़ा सा मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं अनएकेडमी के बारे में। थोड़ा सा आप जानिए अनएकेडमी क्या है, ये जो क्लासेस चलाती है वो क्लासेस जो है वो किस किस फॉर्मेट में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप अनएकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको अनएकेडमी क्या क्या प्रोवाइड कराएगी। अगर आप अनएकेडमी से कनेक्ट होकर अपनी पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो आपको अनएकेडमी देगी डेली लाइव क्लासेस, ठीक है ना। आपको देगी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब ऑन सिलेबस आपकी जो क्लासेस हैं वो अनएकेडमी की तरफ से चलाई जाएंगी, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस की व्यवस्था है। बच्चों, अगर आप अनएकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अनएकेडमी का जो ऐप है इसको डाउनलोड करिए, क्योंकि बिना इसको डाउनलोड किए आप अनएकेडमी से नहीं जुड़ सकते। अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप सर्च के बटन में जाएंगे और सर्च करेंगे यूपीएससी सीएससी, करेक्ट, यूपीएससी सीएससी। उसके बाद बच्चों आप अपने मनचाहे टीचर को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल लिखिए MOHD NADIM, यानी अनएकेडमी के ऐप पर मेरा जो नाम है वो मोहम्मद नदीम है। आप मुझे सर्च करने के बाद मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझको फॉलो करते हैं बच्चों तो अनएकेडमी टीम की तरफ से आपके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा जब भी मेरी हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस ऐप पर दो तरह की क्लासेस चलती हैं, है ना, एक तो आपकी स्पेशल क्लास चलती है, ठीक है। ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं बच्चों, ये बिल्कुल सारे बच्चों के लिए फ्री होती हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो स्पेशल क्लासेस के लिए आपके मोबाइल पर मैसेज जाएंगे, मान के चलिए। दूसरी जो यहाँ पर बच्चों क्लास है वो रिजर्व क्लासेस हैं, यानी जब आप अनएकेडमी पर एडमिशन लेंगे तब जाकर वो क्लासेस आपको अनएकेडमी उपलब्ध कराएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मुझको फॉलो जरूर करिए। अब एक चीज़ यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि अगर आप अनएकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अनएकेडमी पर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो बच्चों आपको मैं बता दूँ कि सारी जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है। यानी अगर आप अनएकेडमी पर एडमिशन लेते हैं तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है, जब आप मेरा प्रोफाइल नेम सर्च करेंगे, यानी मैंने अपना जो प्रोफाइल नेम आपको बताया है वो क्या बताया है, मोहम्मद नदीम, ठीक, यही सेम स्पेलिंग आपको लिखना है। मेरा प्रोफाइल नेम है मोहम्मद नदीम। और नीचे देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट सब्सक्रिप्शन। क्या ऑप्शन आता है बच्चों, गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एडमिशन, यानी उसके बाद इस पर आप क्लिक करो,
इस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। आप वहां पर प्लान डाल दीजिए, उसके बाद आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा कि आपके पास कोई रेफरल कोड होता है, आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो बच्चों रेफरल कोड की जगह आप क्या लिखेंगे, MNUS, मतलब ये एक गिफ्ट है आप लोगों को टीचरों की तरफ से। मतलब ये है कि MNUS को अगर आप रेफरल कोड की जगह लगाएंगे तो 10% आपकी फीस कम हो जाएगी। इसके अलावा इस रेफरल कोड को आप यूज करके किसी भी टीचर की क्लास कर सकते हैं। इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एडमिशन लीजिए तो रेफरल कोड की जगह क्या यूज करेंगे, MNUS, ठीक। चलिए 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। अब आगे बढ़िए, यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। बच्चों ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। टॉप एजुकेटर्स का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी बेहतरीन टीचर्स हैं वो इस समय अनअकैडमी के साथ कनेक्ट होकर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप उन शानदार टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी से जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे आप अनअकैडमी से कैसे जुड़ेंगे, तो इसके लिए बच्चों अनअकैडमी दो प्लान के अकॉर्डिंग एडमिशन लेती है। प्लान नंबर 1 को कहते हैं प्लस और प्लान नंबर 2 को कहते हैं आइकॉनिक। मतलब यह है कि प्लस जो अनअकैडमी का चैनल है, प्लस जो प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक का एडमिशन प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब यह है बच्चों कि अगर आप प्लस से जुड़ते हैं तो अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएगी। आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका वीकली और मंथली टेस्ट होगा। आप इतना समझ लीजिए कि प्रीलिम्स से लेकर और इंटरव्यू तक की आपकी जो तैयारी है वो अनअकैडमी प्लस के अंतर्गत करा देगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये है कि आप कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा होगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो 2 साल से 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 1 साल के लिए एडमिशन लीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर बड़ा प्लान लेने में भलाई है। भलाई मतलब यह है कि अगर आप 3 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो मात्र 90,000 रुपीज में आपको अनअकैडमी 3 साल तक के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, उसमें भी एक खास बात है कि रेफरल कोड की जगह आप यूज करेंगे MNUS तो आपकी फीस में 10% कमी भी होगी। जैसे देखिए बच्चों, यहां पर 1 साल के लिए आप एडमिशन लेते हैं तो 49,500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। 2 साल की अगर आप जो है 2 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो 72,000 रुपीज आपको पे करना होगा, लेकिन 3 साल के लिए लेते हैं तो 90,000 रुपीज में पूरे 3 साल तक के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। तो चूंकि सिविल सर्विस की तैयारी में वक्त तो लगता है ना, समय तो लगता है ना, तो 3 साल तक आपको प्रॉपर अनअकैडमी की तरफ से गाइड दिया जाएगा। अच्छा, उसमें चीज है कि जैसे ही रेफरल कोड की जगह आप MNUS यूज करेंगे 10% आपकी फीस में डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा किसी भी टीचर की क्लास आप इस रेफरल कोड को यूज करके कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप किसी भी नए बैच को इस रेफरल कोड को यूज करके ज्वाइन कर सकते। तो इतनी सारी जो सुविधाएं हैं आपको रेफरल कोड MNUS के द्वारा उपलब्ध हो जाएंगी। अब आगे बढ़िए बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर ये है बच्चों कि दूसरा जो इनका जो प्लान बी है उसको कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब ये बच्चों कि अनअकैडमी का जो सुपर प्लान है वो यही है। मतलब इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो प्लस की सारी सुविधाएं तो आपको प्रोवाइड कराई ही जाएंगी, साथ में आपको एक कोच या गाइड भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है बच्चों के कोच या गाइड ये ऐसी चीज है जो शायद शायद कोई प्रोवाइड कराता हो, बड़ी मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस एडमिशन को लेते हैं
तो आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए ये कोच या गाइड मिलेगा। अब कोच या गाइड कौन होगा, तो कम से कम IAS का इंटरव्यू तो इन लोगों ने फेस किया होगा। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इस लेवल का कोच आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, तो शानदार है कि नहीं ये बताइए। दूसरी चीज ये है कि इसमें भी 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एडमिशन की प्रक्रिया है, लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं तो कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए जुड़िए, ये शानदार है। आप देख सकते हैं कि 3 साल की जो एडमिशन फीस है वो 1,41,000 रुपीज है, 1 साल की एडमिशन की फीस 69,500 रुपीज है, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपीज है, 3 साल की फीस 1,41,000 रुपीज है। तो प्रॉपर वे में होता क्या है कि आप 1 साल के लिए अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो, मान लीजिए अगर जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी कारणवश बच्चों, तो फिर मुश्किल हो जाता है एडमिशन लेना। तो मैं आपसे कहूंगा कि या तो 2 साल या फिर आप 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए। 3 साल का एडमिशन आपके लिए सबसे शानदार होगा, एक कोच या गाइड 3 साल तक आपके साथ मौजूद रहेगा। तो बच्चों यहां पर भी वही करना है, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, अगर आपको किसी भी टीचर की क्लास देखनी हो तो रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, अगर आपको किसी भी बैच में एडमिशन लेना हो तो रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स से अगर जुड़ना है, अगर आप हिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, कम से कम साल भर का एडमिशन लीजिए। आगे बढ़िए बच्चों, अनअकैडमी की तरफ से ना एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है आप सबके लिए, जिसको नाम दिया गया है कम्बैट। यहां पर देखिए, अगर आप कम्बैट में एक चीज देखिए कैसे आप इसमें शामिल हो सकते हैं, तो देखिए इसमें शामिल होने का तरीका बहुत आसान है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद जो है देखिए नीचे लिखा होता है कम्बैट, इस पर क्लिक करिए। यहां पर कोड की जगह यहां पर रेफरल कोड की जगह आप लिख दीजिए MNUS, आपको कम्बैट में बैठने की इजाजत मिल जाएगी। अब देखिए कम्बैट में 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं, 13 कम्बैट्स होने हैं। अगर आप जीतते हैं, अगर आप रैंक 1 टू रैंक 3 में आते हैं, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से 3 महीने के लिए UPSC CSE GS Plus सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप रैंक 4 टू रैंक 150 में आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से 1,000 रुपीज का अमेजॉन बाउचर आपको दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर न्यू बैचेस फॉर UPSC CSE 2021-22, न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2001, 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट, न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स। बच्चों अगर आप 2021, 2022 और 2023 के लिए आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से कई नए बैचेस यहां पर शुरू कराए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो न्यू बैचेस हैं ये अनअकैडमी की तरफ से लॉन्च हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इन बैचेस को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, आप अपनी सुविधा के अनुसार इन बैचेस को सेलेक्ट कर लीजिए और इनमें एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए कुछ नहीं करना है, एडमिशन लेने के लिए आप ऐप पर जाएंगे, आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। रेफरल कोड की जगह आपको क्या यूज करना है, MNUS, इससे क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, किसी भी बैच में आप जुड़ जाएंगे, किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे, तो देख लीजिए आप। और अगर आपको ऑप्शनल और जनरल स्टडीज दोनों एक साथ चाहिए तो उसके लिए भी यहां पर व्यवस्था है। मैंने आपको समझाया है कि जितना लंबा प्लान लेंगे उतना ही ज्यादा सस्ता होगा। जैसे मान के चलिए कि 2 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1,31,510 रुपीज आपकी फीस है। रेफरल कोड की जगह आप क्या यूज करेंगे, MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी आपकी 99,680 रुपीज। तो बच्चों जितना लंबा प्लान लोगे उतना ही ज्यादा आपकी बचत होगी, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं आपको कि जो मैंने आपको बताया कि जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, जिसमें कोच या गाइड मिलता है, वो 25 जनवरी से इसकी फीस बढ़ने वाली है। तो प्लीज अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी महीने ले डालिए।
तो आपका पैसा बच जाएगा। और रेफरल कोड की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, MNUS, क्यों? क्योंकि 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, किसी भी टीचर की क्लास आप कर सकते हैं, किसी भी बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। और अब सिकंदर का आक्रमण। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण। ये जो हम लोगों का टॉपिक है, ये आप सबको पता ही है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात हैं। पहली चीज़ तो ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बताऊँ, सबसे पहले आपको मैं रूट लेवल पर बात करके सबसे पहले मैं आपसे रूट लेवल पर बात करूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सिकंदर के बारे में बात करेंगे कि सिकंदर था कौन, कहाँ से चला आया, इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया कि वो यूनान से भारत में आ गया। तो पहला जो सवाल होगा कि सिकंदर कौन था। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिकंदर कौन था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाकर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बच्चों कि सिकंदर कौन था, हु वाज अलेक्जेंडर। सिकंदर कौन था, करेक्ट? सिकंदर कौन था, ये चीजें क्लियर हो रही हैं? सिकंदर कौन था, आज हम लोग सिकंदर के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे सोर्सेस से सुना होगा। चलिए इतिहास के आईने में सिकंदर कौन था, हु वाज अलेक्जेंडर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इतिहास के आईने में सिकंदर कौन था, यानी हिस्ट्री में सिकंदर को कैसे याद किया जाता है। तो पहली चीज बच्चों ये है कि चलिए मैं आपको लिए चलता हूं यूनान, यानी मैसिडोनिया। कहा जाता है कि उस समय मैसिडोनिया का राजा फिलिप हुआ करता था। उस समय मैसिडोनिया का राजा कौन था, यूनान का एक छोटा सा राज्य मैसिडोनिया। हम लोग लिखेंगे बच्चों कि यूनान का एक छोटा सा राज्य, था यूनान का एक छोटा सा राज्य मैसिडोनिया। एक एक इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, एक एक इंफॉर्मेशन को नोट करना है बच्चों, कहानी के साथ आगे बढ़ना है। हिस्ट्री इज अ स्टोरी, इतिहास एक कहानी है, और अगर आप इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ेंगे तो शायद, तो अगर आप इतिहास को इतिहास की तरह से पढ़ेंगे तो ईश्वर के दया से आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो यूनान का एक छोटा सा राज्य था मैसिडोनिया, ठीक है। यहां के राजा का नाम क्या था बच्चों, यहां के राजा का नाम फिलिप था। यहां के राजा का नाम फिलिप था। कहा जाता है कि बड़ा उदंड टाइप का इंसान था, अपने जमाने का बहुत बड़ा योद्धा था। ही वॉज द ग्रेट वॉरियर ऑफ देयर टाइम, और थोड़ा सा उदंड टाइप का इंसान था। वैसे तो आपको पता ही है कि राजाओं की कई शादियां होती थी, उसकी भी हुई थी, ठीक है। उसकी एक पत्नी थी जो बड़ी उपेक्षित रहती थी, और फिलिप से पटता नहीं था उससे। ऐसा कहा जाता है कि शायद उसकी वो पत्नी जादूगरनी थी, ऐसा माना जाता है। ध्यान देना है बच्चों यहां पर। अब उससे एक बच्चा भी था, इसको छोटा बच्चा था, लेकिन फिलिप उस बच्चे को लाइक नहीं करता था, क्योंकि उस बच्चे की मां अक्सर कहा करती थी कि यह ज्यूस का बेटा है। ज्यूस कौन था भाई, तो ज्यूस यूनान के देवता का नाम था। थोड़ा ध्यान से सुनना है यहां पर। अपना बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। कहा जाता है कि वैसे भी उस बच्चे की मां से फिलिप से बनती नहीं थी। एक दिन की बात है, दरबार सजा हुआ है और वहां पर घोड़ा बेचने वाले व्यापारी आए हुए हैं। आप लोग मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं बच्चों ना,
बहुत कॉन्सेंट्रेटली सुनोगे तो मजा आएगा आपको, मैं आशा करता हूं ईश्वर की दया से। तो वहां पे ना दरबार सजी हुई है और घोड़ा बेचने वाले आए हुए, राजा फिलिप बैठा है, सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं। घोड़ा बेचने वाला एक बड़ी ही खूबसूरत घोड़ा लेके आता है, उस घोड़े का रंग सफेद है और बड़ी सुंदर घोड़ा है। वो राजा फिलिप से कहता है कि महाराज मेरा घोड़ा खरीदोगे क्या? राजा फिलिप देखता है, बड़ा खुश होता है, यार वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, इतना खूबसूरत घोड़ा था वो। लेकिन वो राजा फिलिप से कहता है कि राजा आज तक इस घोड़े को इसका सवार नहीं मिला, मैं कब से इसको लिए घूम रहा हूं, आज तक इस घोड़े को इसका सवार नहीं मिला, क्योंकि इस पे जो भी बैठता है ना ये उसको उठा के फेंक देता है, उसका हाथ पैर तोड़ देता है। राजा फिलिप ने कहा मैं हटाओ यार, लेके जाओ, मुझे अपना हाथ पैर थोड़े तुड़वाना है, लेके जाओ इस जंगली टाइप के घोड़े को, हटाओ इसको। अच्छा वहीं चूंकि मंत्री बैठते थे तो राजाओं की पत्नियां भी तो बैठती थी, तो गोद में बालक लेकर उसकी वही पत्नी बैठी हुई है जिससे फिलिप की पटती नहीं थी, गोद में बालक को लेकर वही गोद में बालक को लेकर वही पत्नी बैठी हुई है जिससे राजा फिलिप की बनती नहीं थी। अच्छा गोद में बालक बैठा हुआ घोड़े को देख रहा, पता नहीं कैसे उस बालक को घोड़े पर प्यार आ जाता है और दौड़ता हुआ जाता है और राजा फिलिप से कहता है कि बाबा बाबा मुझे ये घोड़ा पसंद है, मुझे ये घोड़ा दिला दो, बाबा बाबा ये घोड़ा मुझे दिला दो। राजा फिलिप हंसने लगता है, कहा भी पिद्दी कहीं के, तेरी औकात है? तू इस घोड़े पर चढ़ेगा? जब बड़े बड़ों के हाथ पैर तोड़ दिए इसने तो तू चढ़ेगा? इसको आज तक इसका सवार नहीं मिला तो तू चढ़ेगा? इतना कह के जोर जोर से हंसने लगता है, अरे यार इस पिद्दी को पकड़ के ले जाओ। फिर पकड़ लेता है, बच्चे में जानते हो बच्चों, बच्चे में एक आदत होती है, बच्चा ना जिद से अपनी बात मनवा लेता है, बच्चा ना प्यार से अपनी बात मनवा लेता है। यकीन मानो बच्चों से इंसान क्या सीख सकता है, बच्चों से यही चीज सीख सकता है कि बच्चे ना जिद करते हैं, बच्चे रो के अपनी बात मनवा लेते हैं, बच्चे जो है ठान के अपनी बात मनवा लेते हैं। बच्चा कहता है बाबा बाबा मुझे तो यही घोड़ा चाहिए। अब फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अबे पिद्दी बार बार तुझको समझा रहा हूं कि ये घोड़ा तेरे बस का नहीं है और तू नहीं मान रहा है, तो चल अगर तू इस पे सवार हो गया तो घोड़ा तेरा, और नहीं तो तेरी खाल उधड़वा दूंगा आज। सारे मंत्री शॉक्ड हो जाते हैं, सारे अधिकारी शॉक्ड हो जाते हैं, सारे मंत्री शॉक्ड हो जाते हैं। अरे ये क्या कह दिया राजा ने, भाई बच्चा था, बच्चा जिद कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसकी खाल उधड़वा लेंगे? भाई सबको नामुमकिन लग रहा था कि भाई वो उस पे सवार थोड़े होगा, एक छोटा सा बच्चा कैसे इस घोड़े पे सवार होगा, वो भी जंगली था घोड़ा। लेकिन बेटा यही चीज है कि क्या करोगे, किसी ने लिखा है कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। यकीन मानिए इस संसार में मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है, प्रेम एक ऐसी चीज होती है जिसके सामने कोई चीज बहुत समय तक रुक नहीं पाती। कहने का मतलब यह है कि राजा फिलिप ने गुस्से में आकर उस घोड़े वाले से कहा कि यार लगाम इसको पकड़ाओ और दो इसके हाथ में लगाम। अब घोड़े वाला, भाई घोड़ा वाला तो डर गया, करे महाराज आप क्या कर रहे हैं, बच्चा है का कुछ नहीं, दो। घोड़े का लगाम उस बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया गया और बच्चे ने क्या किया, मैंने कहा ना बच्चों, मैंने एक चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, यहां इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखना भी है, ये एक स्टोरी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखना है। अच्छा बच्चे ने लगाम को पकड़ लिया, मैंने कहा ना कि दीवानगी का कोई विकल्प नहीं है, इस संसार में इतिहास सिर्फ दीवानों ने बनाया है, इस संसार में इतिहास सिर्फ दीवानों ने बनाया है, विद्वान इतिहास लिखते हैं लेकिन दीवाने इतिहास बनाते हैं। मैं अपने सभी बच्चों से यह कह रहा हूं कि बच्चों दीवानगी बनाइए, आपके अंदर अगर आपके लक्ष्य के प्रति दीवानगी है तो ईश्वर की दया से आपका लक्ष्य जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए देखें, इस बच्चे से सीखते हैं। तो बच्चा
लगाम पकड़ लेता है, और लगाम पकड़ने के बाद बच्चा तो दीवाना था ना घोड़े का, बच्चा क्या था उस घोड़े का दीवाना था। अब देखिए, अब घोड़े का लगाम जैसे ही पकड़ा घोड़ा भाग खड़ा हुआ, अब घोड़े ने भागना शुरू कर दिया और बच्चा लगाम पकड़कर उस घोड़े से लटका हुआ है। यकीन मानिए, उस बच्चे ने लगाम नहीं छोड़ी, घोड़ा भाग रहा है, बच्चा लगाम पकड़े हुआ है, घोड़ा उछल रहा है, कूद रहा है, घोड़ा भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, भाग रहा है। अच्छा, बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा ना घोड़े के गाल के ऊपर हल्का हल्का सहला रहा है, हल्का हल्का उसकी आंखों को कमाल है यार, मैंने ऐसी दीवानगी नहीं देखी यार, कि घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा उछल रहा है, घोड़ा कूद रहा है, इससे इस बच्चे को कोई लेना देना नहीं, बच्चे को किससे मतलब है? उस घोड़े से मतलब है। अबे तू कूद, अबे तू फाद, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है कि जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे जो मिले हैं विरासत नहीं मेरे, अरे तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो बच्चों, दीवानगी का कोई विकल्प नहीं होता ना। अब बच्चा क्या है, उस घोड़े से लटका हुआ है, कभी उसके गाल को सहला रहा है तो कभी उसकी आंखों को चूम रहा है। अच्छा, घोड़ा भागते भागते उछलते कूदते घोड़ा परेशान हो गया, कहा कौन सा सवार है ये कौन सा सवार है, ना तो गिर ही रहा है, ना तो छोड़ ही रहा है, ना मेरी पीठी पे आ रहा है, घोड़ा भी कंफ्यूज था। अच्छा, घोड़ा जब अपनी सारी जिद करके थक गया तो उसके मन में आया कि यार ये कौन सी चीज है, मैं इतना इसको गिरा रहा हूं, मैं इसको कितना उछाल रहा हूं, लेकिन ने मुझे मार रहा है, ना पीट रहा है, अब तक जितने भी सवार मिले सब के सब जो है बेवफा मिले, कोई पीठ पर बैठकर कोई चाबुक से मारता था, तो कोई भाले से मारता था, कोई तलवार मारता था, लेकिन ये कौन सा सवार है जो सिर्फ प्यार मारता है। यकीन मानिए बच्चों, आप अंदाजा लगाइए, वो बच्चा लटका हुआ है, अब घोड़े ने समझ लिया कि इसके पहले जो मिले वो मिले, लेकिन ये जो मिला है यही मेरा असली सवार है, क्योंकि अब तक मैंने जिसको भी पीठ पे बिठाया और उछाला, सबने मारा पीटा, लेकिन इस बच्चे ने न मारा न पीटा, बस मेरी मेरा जो है चेहरा, मेरा जो चेहरा है वो सहला रहा है। यकीन मानिए बच्चों, घोड़ा स्मूथ हो गया, जब स्मूथ हो गया तो बच्चा जो लगाम पकड़ के लटका हुआ था वो उस घोड़े पर धीरे धीरे चढ़ने लगा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा दौड़ता दौड़ता वापस उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां पर घोड़ा चला था। जब उस बच्चे को घोड़े पर बैठा देखा था फिलिप ने, तो फिलिप दौड़कर अपने सिंहासन से दौड़ता हुआ आया और आकर उसने घोड़े से उस बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये एक शेर का बेटा है, मुझे पता, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और आप जानते ही होंगे, आप समझ ही गए होंगे कि वो लड़का कौन था, आप अंदाजा लगा चुके होंगे, ये लड़का कोई और नहीं था, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट था, और वो घोड़ा जिस पर वो बैठा था बच्चों, वो घोड़ा भी कोई और नहीं था, वो बऊ केफला था, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊ केफला, जो भारत में आके मरा था। कहा जाता है कि सिकंदर ने उस घोड़े के नाम पर एक शहर ही बसा दिया था जिसे हम बऊ केफला सिटी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज जिस व्यक्ति के बारे में बात होनी है उसका ट्रेलर मैंने आपको दिखा दिया है, उसके ट्रेलर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस फिल्म का ट्रेलर ऐसा होगा वो फिल्म कैसी होगी, वो कहानी कैसी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा फिलिप ने तब से उस बच्चे को अपना लिया था। कहा जाता है कि राजा फिलिप अक्सर उस बच्चे को कंधे पर बिठाकर यूनान की प्राचीन गुफाओं में लेके जाता था। ये कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, इन फोटोग्राफ्स को जरा ध्यान से देखिए। अक्सर जो है ना, राजा फिलिप उस बच्चे को उठाकर ना यूनान की प्राचीन गुफाओं में लेके जाता था
और कहा जाता है कि उसे बताता था यूनान के वीर योद्धाओं के बारे में कि किन किन योद्धाओं ने क्या क्या इतिहास में मकाम बताया है बनाया है। बच्चों आपको पता है कि यूनान के कई महान योद्धाओं के नाम विश्व विजेता होने का गौरव दर्ज है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, राजा फिलिप उस बच्चे को बताता था, चलिए सिकंदर से पहले, सिकंदर विश्व विजेता था ये तो आपको पता ही है, सिकंदर से पहले कौन से ऐसे योद्धा थे जिन्हें विश्व विजेता होने का गौरव हासिल है। तो देखिए यूनान के दो महान योद्धाओं के नाम मैं लिख रहा हूं। एक महान योद्धा का नाम था एक्लिस, आपने नाम सुना होगा एक्लिस का, एक्लिस को विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त है यूनान की कहानियों में। और दूसरा जो योद्धा था बच्चों वो था डायोडोरस। डायोडोरस ये यूनान के दो महान योद्धा थे जिन्हें विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त है। मैं आप सबको कहूंगा कि अगर आपको यूनान के बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक मूवी है हॉलीवुड की, द ट्रॉय। द ट्रॉय के नाम से एक मूवी है, इस मूवी को कभी मौका मिले तो आप देखिए, आपको यूनान की संस्कृति की हल्की सी झलक इसमें आपको दिखाई देगी, तो आप जरूर देखिएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट पर भी हॉलीवुड की तरफ से बहुत ही खूबसूरत मूवी बनी है, वो भी जरूर देखिएगा अगर आपके अंदर चाहत है इसके बारे में जानने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्लिस और डायोडोरस यानी राजा फिलिप अक्सर उसे यूनान की गुफाओं में ले जाता और ले जाकर बताता कि अलेक्जेंडर तुमसे पहले देखो यूनान में ऐसे ऐसे योद्धा गुजरे, उन्होंने ये कारनामे किए थे। कहा जाता है कि राजा फिलिप का जो प्रभाव था उस बालक पर बचपन से ही पड़ रहा था। अच्छा, इसके बावजूद बच्चों जो दूसरी बात थी उसके अंदर वो ये थी कि वो जिस व्यक्ति का शिष्य था यानी सिकंदर जिस महान गुरु का शिष्य था, दुनिया उसे अरस्तु के नाम से जानती है, जिसे फादर ऑफ द पॉलिटिक्स या राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। चलिए बच्चों लिखे हम लोग कुछ बातें तो यहां नोट करनी है, क्योंकि अभी मैं सिकंदर के बारे में एक नॉर्मल आपको जानकारी दे रहा हूं। चलिए यहां पर हम लोग इसको मिटाकर कुछ चीजें नोट करते हैं, कुछ चीजें हम लोग यहां पर बच्चों लिखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि सोमवार के दिन से हो जाइए तैयार, क्योंकि सोमवार से आने वाली है स्पेशल क्लासेस की बहार, और उसमें भी हम लोग एंशंट हिस्ट्री को करेंगे कंटिन्यू। तो सोमवार से आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, सोमवार से आने का इरादा बन चुका है, मंडे के दिन से हम लोगों की जो स्पेशल क्लासेस है वो शुरू होने वाली हैं, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास जिसको हम फ्री क्लास कहते हैं। आप सबको मैं इनवाइट करना चाहता हूं स्पेशल क्लास में जो सोमवार के दिन से शुरू होने वाली है। सोमवार से आप और हमारी लाइव मुलाकात होनी है, मींस हम और आप होंगे आमने सामने, आप जो कमेंट्स करेंगे उसके मैं आपको जवाब दूंगा, यानी बिल्कुल फ्री क्लास है बच्चों, ये पहले जान लीजिए। और कैसे जुड़ना है वो तो मैं बार बार आपको बताते हुए चल रहा हूँ। क्लास की जो टाइमिंग होगी थोड़ा ध्यान दीजिए, सुबह में 11 बजे से और शाम को 8 बजे से, जो टाइमिंग है बच्चों सुबह में 11 बजे से और शाम को 8 बजे से, ये दोनों मीटिंग में क्लासेस हम लोगों की चलेंगी, यानी स्पेशल क्लासेस जब तक चलेंगी उस समय तक यूट्यूब की क्लासेस बंद रहेंगे, क्योंकि ये क्लास बस ये है बच्चों की प्लेटफॉर्म अलग होगा, यूट्यूब पर भी आप फ्री क्लास लेते हैं और स्पेशल क्लासेस भी आप फ्री लोगे। तो आप सबको मैं कर रहा हूं इन्वाइट, सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है स्पेशल क्लास का दौर जो बिल्कुल आपके लिए होगा फ्री, सुबह में 11 बजे और शाम को 8 बजे होगी हम लोगों की लाइव मुलाकात। तो आप और हम होंगे आमने सामने, तो हो जाइए तैयार। तो चलिए पहले इसको हम लोग जो है इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। गेट रेडी फॉर दिस क्लास बच्चों, सोमवार के दिन बिल्कुल हो जाइए तैयार, सुबह 11 बजे शाम को 8 बजे। अब चलिए कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। सिकंदर महान, लिखेंगे बच्चों कि सिकंदर
गुरु का नाम था अरस्तु, जिसे जिन्हें राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, इस लाइन को आपको नोट करना होगा। कहने का मतलब है बच्चों की, जाहिर सी बात है कि गुरु का इफेक्ट चेले पर पढ़ना ही पड़ना था। तो चलिए आइए, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए आइए। तो ये बात तो सही हो गई कि एक तो राजा फिलिप का जो प्रभाव था उस पर पढ़ ही रहा था, सिकंदर के गुरु जो है वो अरस्तु थे, जिन्हें राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब गुरु इतना महान हो तो उसका प्रभाव शिष्य पर पड़ना लाजमी था। कहा जाता है कि एक समारोह में जब राजा फिलिप जो है वो समारोह को एक समारोह में जब राजा फिलिप शामिल होने जा रहा था, उसी समय एक हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी। तभी राजा फिलिप के बगल में खड़े उसके एक मित्र ने राजा फिलिप का ताज उठाकर उसके बच्चे के सिर पर रख दिया। यकीन मानिए बच्चों, राजा फिलिप सिकंदर को बहुत चाहता था, और कहा जाता है कि राजा फिलिप की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर मेसिडोनिया का राजा बना। जी हाँ, और फिर सिकंदर ने, कहा जाता है कि सिकंदर के अंदर बचपन से ही ये भावना थी कि वो एक दिन विश्व विजेता बनेगा, और फिर शुरुआत हो गई सिकंदर के विश्व विजयी अभियान की। थोड़ा सा मैं, चूंकि बच्चों यहाँ से प्रश्न जो है ना, एक ये इंफॉर्मेशन है अलेक्जेंडर के बारे में जो समझने के लिए जरूरी है सिकंदर को, लेकिन ना उसके विश्व अभियान के बारे में मैं बहुत डिटेल तो आपको नहीं दे सकता क्योंकि हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे ना, लेकिन थोड़ा सा डिटेल मैं आपको दूंगा कि सिकंदर जब फारस के निकट पहुंचा, चलिए आइए यहां पर सिकंदर का ईरान पर आक्रमण, चलिए थोड़ा सा हम लोग यहां पर डिस्कस करें सिकंदर का ईरान पर आक्रमण, क्योंकि ईरान उस समय, मैंने आपको बताया ना, ईरान बहुत शक्तिशाली था, और ईरान यकीन मानिए इतना शक्तिशाली था कि उसकी संस्कृति जो है सारी दुनिया में धीरे धीरे फैल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि सिकंदर का भारत से पहले जो सबसे प्रमुख पड़ाव था वो ईरान था। चलिए यहां चर्चा करते हैं सिकंदर का ईरान पर आक्रमण। थोड़ा सा यहां आपको मैं बताऊंगा, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। सिकंदर का ईरान पर आक्रमण, थोड़ा सा बच्चों बस सुनना है कि ईरान पर जो उसने अटैक किया, जिसे उस जमाने में फारस कहा जाता था, वहां पर क्या हुआ था। आपको मैं बताऊं कि जब सिकंदर ईरान की सीमा में पहुंचता है, यानी फारस की सीमा में पहुंचता है, कहा जाता है कि सिकंदर के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे ईरान के बनिस्बत। अगर देखा जाए तो 10,000 सैनिक आप मान सकते हैं लगभग, दूसरी तरफ ईरान के पास लगभग 4,00,000 की सेना रही होगी। कहा जाता है कि उस समय ईरान का जो राजा डेरियस था, डेरियस सेकंड आप कह सकते हैं, डेरियस द्वितीय कह सकते हैं, जिसको दारा, राजा दारा द्वितीय के नाम से जाना जाता था, यानी डेरियस द्वितीय आप कह सकते हैं। तो यहां पर कोई, चूंकि ना वहां के राजा दारा जो है ना उपाधि धारण करते थे ना ईरान के, तो कहा जाता है कि इस तरह से जो है शाम का समय था, सिकंदर जो है अपने खेमे में आराम कर रहा था, उसके कुछ कमांडर आए और बड़ी निराश दिख रहे थे। बच्चों यहां पर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि व्हाई वी कॉल्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर को इतिहास में महान क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न पर थोड़ी सी एक सिंपल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो महानता है वो किसी एक पक्ष से आप साबित नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए, शाम का समय है, सिकंदर के कमांडर इन चीफ उसके खेमे में आ रहे हैं, उसके तंबू में आ रहे हैं, उसके टेंट में आ रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में ना राजा लोग चलते थे तो टेंट गाड़े जाते थे।
सिकंदर उनको देख के ही समझ गया कि मामला गड़बड़ है। सिकंदर ने कहा कि मेरे कमांडर्स, क्या बात है, आप कैसे आए? कमांडर ने कहा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत बड़ी समस्या है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है, हम अभी ईरान की तरफ से देख के आ रहे हैं, 4 लाख के लगभग सेना मैदान में खड़ी है। सिकंदर उनको देख रहा था, सिकंदर ने कहा तो? उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर, हमें लग रहा है कि हमारे सैनिक सब मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि कहां 10,000, कहां 4 लाख, इतने कम सैनिक कहां वहां, सिर्फ केवल सिरे सिर दिख रहे। सिकंदर ने कहा तो? जो कमांडर्स से उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर, हम चाहते हैं कि अगर लड़ाई करनी है तो थोड़ा पैतरे से लड़ा जाए। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, पैतरा बताइए। तो कमांडर इन चीफ्स ने कहा कि सिकंदर, हम चाहते हैं कि रात के समय जब ईरान की सेना सो जाएगी तो हम सोते हुए उन पर हमला कर देंगे और उन्हें मार डालेंगे। सिकंदर ये सुनकर मुस्कुराने लगा और थोड़ा सा उसका चेहरा क्रोधित हो गया। उसने कहा था कि कमांडर इन चीफ्स, मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि आप यूनान के महान योद्धाओं के वंशज हैं, आप यूनान के महान योद्धाओं के वंशज हैं, आप कह रहे हैं कि रात के समय हम जाएं उनको सोते हुए मार दें, तो ये लड़ाई में मर्दानगी कहां है? आप चाहते हैं कि मैं सोते हुए उन्हें मार दूं? मैं यूनान से यह करने के लिए आया हूं कि मैं सोते हुए लोगों की हत्या कर दूं? मुझसे यह चीज नहीं होगा, मुझे शर्म आ रही है, आपको अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। उसने कहा था कि अगर आप यूनान वापस जाना चाहते तो आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए, मुझे ऐसे योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं करना है जो सोते हुए लोगों को युद्ध के मैदान में मारना जानते। बच्चों, कुछ चीजें हमें यहां पर देखनी। कहा जाता है कि अगले दिन सुबह, चूंकि सिकंदर की सेना का हौसला पस्त था, लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि इतना शानदार वक्ता था वो, कि जब वो बोलता था तो सैनिकों के शरीर में बिजली जो है वो बिल्कुल दौड़ने लगती थी। कहा जाता है कि उसने अपने सैनिकों को संबोधित किया, उन्हें यूनान के प्राचीन योद्धाओं की याद दिलाई, उसके बाद उसने एक लाइन कही थी जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये लाइन आप लोगों के लिए है कि सुनिए, जब मैं विश्व विजय के लिए निकला था तो मेरा उद्देश्य यह नहीं था, मैं आप पर भरोसा करके नहीं आया। उसने ये बात बोला, मैं विश्व विजय के लिए निकला था तो मुझे केवल ईश्वर पर भरोसा है, मुझे अपने आप पर भरोसा है। सिकंदर ने कहा कि मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं आपके भरोसे विश्व विजय करने नहीं आया। यहां पर बच्चों, सिकंदर से अगर हम और आप सीख सकते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है कि दुनिया में किसी ने लिखा है कि यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डायनेस्टी एंड यू आर द क्रशर ऑफ योर ओन डायनेस्टी। आप ही अपने साम्राज्य के निर्माता हैं और आप ही अपने साम्राज्य के विनाशक हैं। कितनी प्यारी बात सिकंदर ने कही। और उसने कहा था कि इस युद्ध में मैं अकेले जाऊंगा, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। बच्चों, एक टीम लीडर जो होता है, वास्तव में टीम लीडर का गुण उसके अंदर होना चाहिए। जो टीम लीडर होता है वो रिस्क लेता है। आप देखिए, सिकंदर अपने घोड़े बाउकेफला पे सवार होता है, अपनी तलवार को म्यान से निकालता है और जैसे जैसे वो ईरान की सेना की तरफ बढ़ता है, जैसे काई में चूना फेंक दो तो काई फटने लगती है, उसी तरह से ईरान के सैनिक बीच से फटने लगते हैं। बच्चों, एक बात यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि युद्ध के मैदान में लड़ने वाला हर व्यक्ति योद्धा नहीं होता। ये बात सिकंदर जानता था। सिकंदर जैसे महान योद्धा का सामना करने की हिम्मत शायद उस वक्त वहां के लोगों में नहीं थी। और सिकंदर ने एक चीज और देखा था कि वहां का राजा जो डेरियस था, वो सेना के आगे न खड़ा होकर सेना के पीछे खड़ा था। तो जिस सेना का सेनापति सेना के आगे खड़ा न होकर पीछे खड़ा हो, उस सेना की शक्ति का अंदाजा आप लगा सकते हैं।
कहा जाता है कि सिकंदर के कुछ दोस्त उसके पीछे जा रहे थे। जब अपने नेता को, जब अपने सेनापति को, जब अपने राजा को यूनान की सेना ने देखा था इस हालत में, तो वो चीखने लगे, वो चिल्लाने, वो अपनी तलवारों को निकाल कर कूद पड़े ईरान के सैनिकों पर। और यकीन मानिए बच्चों, कहा जाता है कि तब तक सिकंदर जो है राजा डेरियस से थोड़ी दूरी पर मौजूद था, और उसने अपने भाले से ऐसा मारा कि राजा डेरियस का गर्दन कटकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चों, यहां पर सिकंदर के इस चीज के बारे में बताने का मेरा बस एक मकसद है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूपीएससी की परीक्षा में 400,000 लोग बैठते हैं तो 400,000 लोग कंपटीटर नहीं होते। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूपीएससी की परीक्षा में 400,000 लोग बैठते हैं तो 400,000 लोग कंपटीटर नहीं होते। लड़ाई सिर्फ कुछ हजार में होती है, इसको आप समझ लीजिए। कहा जाता है कि ईरान की सेना मैदान से उखड़ गई। कहा जाता है कि सैनिकों के पैर उखड़ गए और वो सब मैदान छोड़कर भाग गए। सिकंदर ने ईरान को जीत लिया था और ये उसकी बहुत बड़ी विजय थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, ये सिकंदर के ऊपर लिखी गई इतिहास से है। लेकिन यहां से आपके सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन यहां से आपका हौसला जरूर बढ़ेगा, इस बात की मुझे उम्मीद है। क्योंकि सवाल तो भारत के करीब जब वो आता है, जब इंडिया में एंट्री करता है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के। लेकिन थोड़ा सा सुनिए, ये सिकंदर का इंट्रो है, थोड़ा सा सुनिए ये सिकंदर का इंट्रो है। तो मैं आपको बता रहा था, एक चीज और देखिए। सिकंदर महान जब ईरान पहुंचता है तो वहां के महल को देखकर दंग हो जाता है। राजा डेरियस का महल जब वो देखता है तो दंग हो जाता है, क्योंकि वहां पर अप्सराओं जैसी सुंदर कन्याएं हाथों में शराब लेकर जो है सिकंदर और उसके कमांडर्स की तरफ बढ़ती हैं। सिकंदर सभी से कहता है कि खबरदार, होशियार हो जाओ, एक योद्धा, एक राजा कभी ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है। सिकंदर ने अपने कमांडर से कहा कि देखो और समझो, एक योद्धा के लिए, एक योद्धा का बिस्तर जो होता है वो तपती हुई रेत होती है, इस तरह के महल नहीं होते। वो कहता है कि आज राजा डेरियस मरा है तो इसका कारण ये सब चीजें हैं। और बच्चों, सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां की रानी और डेरियस की पत्नी और उसकी बेटी सिकंदर के पास आती हैं और कहती हैं कि सिकंदर, आप यहाँ के विजेता हैं, आप हमें कुछ दिन इस महल में रहने की मोहलत दे दीजिए, फिर हमारा प्रबंध हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो जानते हैं बच्चों, यहाँ पर सिकंदर के जो साथी होते हैं उसे समझाते हैं कि सिकंदर, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम इससे शादी कर लो। लेकिन सिकंदर ऐसा नहीं करता। दुनिया के जितने भी महान राजा हुए उनमें बच्चों एक चीज बड़ी कॉमन रही कि वो कैरेक्टरलेस नहीं थे। उनके कैरेक्टर पर कोई जो है प्रश्नचिन्ह नहीं लगा। जितने भी महान राजा आप कंपेयर कर, सिकंदर ने ऐसा नहीं किया। और जानते हैं क्या कहा उसने वहां की रानी से? कहा कि रानी साहिबा, हम तो बस ईरान पर जीत हासिल करने आए थे, हमारा यहां रहने का इरादा नहीं है, ये महल आपका है, आप यहां पे आराम से रहिए। और इस तरह से ईरान को छोड़कर सिकंदर भारत की सीमा में एंट्री करता है। तो अब जो है बच्चों, यहां से हमारे हिस्ट्री की शुरुआत होती है, यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है। थोड़ा सा मैंने आपको सिकंदर के बारे में इंट्रो बताया है, आपको ये कैसा लगा आप मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहां पर देखिए सिकंदर जब भारत के करीब आया ना, हेडिंग डालते हैं हम लोग, सिकंदर का भारत में प्रवेश। हमारा हेडिंग क्या होगा? सिकंदर का भारत में प्रवेश। ये तो चीज समझ गए ना, एक नॉर्मली तौर पर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, सिकंदर का भारत में प्रवेश। यहां से हमारी जो हिस्ट्री है वो कनेक्ट हो रही है। सिकंदर का भारत में प्रवेश, चलिए देखा जाए।
तो बच्चों, जब सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था तो उसी समय भूमिका भी बन रही थी। भारत के कई ऐसे राजाओं का नाम आता है। सबसे बड़ी चीज ये कि जो स्थिति ईरान के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की थी, वही सेम स्थिति सिकंदर के आक्रमण के समय में भी थी। यानी एकता का अभाव था, कबीलाई शासकों का शासन था, राजाओं में यूनिटी नहीं थी। तो चलिए लिखते हैं यहां पर कि जिस समय सिकंदर ने भारत की सीमा में प्रवेश किया, उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी ईरान के आक्रमण के समय थी। ईरान के आक्रमण के समय थी। समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए, अब आप समझ गए ना? सिकंदर जब एंट्री कर रहा था ना, तो अब भी कंडीशन वैसी थी। कबीलाई राजाओं का शासन था, एक दूसरे से लड़कर अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे थे। ठीक है, उस वो क्षेत्र बटा हुआ था। कहने का मतलब उस क्षेत्र में एकता का अभाव था, मतलब कंडीशन वही थी जो ईरान के आक्रमण के समय मौजूद थी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी चीज, ये चीज आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए, क्योंकि ना यहां से आपको लिखना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, यूपीएससी का एग्जाम आप दोगे, तो यहां से आपको बच्चों लिखना पड़ेगा। यहां से आप नोट करिए और इसको नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए इसका। तो चलिए आइए, हम लोग इसको मिटा देते हैं। यस, इसको मिटाएं। अब दूसरी चीज आपको मैं बताऊं और क्या चीजें थी। देखिए बच्चों, जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था, कहा जाता है कि उस समय भारत के कई राजा थे जो सिकंदर के संपर्क में थे और उन्होंने सिकंदर का भारत में वेलकम किया था। तो बच्चों वही चीज है कि घर का भेदी लंका ढावे, वही हाल है कि जब अपने देश के ही कुछ राजा सिकंदर के करीब हो गए थे और उन्होंने भारत के बारे में सिकंदर को बहुत कुछ बता दिया था। तो चलिए देखा जाए और दूसरी क्या खासियत थी उस समय, दूसरी क्या स्थिति थी। तो लिखेंगे कि जिस समय सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था, जिस समय सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था, उस समय कई भारतीय राजाओं ने उसका स्वागत किया और उसे भारत के बारे में जानकारी दी। ये चीजें क्लियर हो गई है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? उसे भारत के बारे में जानकारी दी। समझ में आ रहा है? अब चलिए देखा जाए, जैसे
हम उन राजाओं के नाम भी लिखेंगे, जैसे राजा आम्भी, शशिकांत, राजा आम्भी गांधार का राजा था, संजय, ये कुछ राजाओं के नाम थे जिन्होंने सिकंदर का स्वागत किया भारत में, और बहुत सारे जो इंफॉर्मेशंस थे उन लोगों ने लीक किया। क्लियर? समझ में आ रहा बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि सिकंदर के लिए बहुत आसानी हो गई ना। एक प्रश्न उठता है कि सिकंदर इतनी आसानी से कैसे इंडिया में एंट्री कर गया, तो इसका कारण था बच्चों, इन लोगों ने भारत के बारे में जानकारी दी थी, है ना, इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ लालच थी सिकंदर से पाने की। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी, लिखेंगे इस चीज को। सिकंदर के अटैक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो यहां पर बच्चों मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सिकंदर, ठीक है, इन लोगों ने साथ तो दिया था सिकंदर का, लेकिन इतना आसान भी सफर नहीं था। कहा जाता है कि एक जगह थी कपिशा, है ना, कपिशा और तक्षशिला के बीच, तक्षशिला माने गांधार महाजनपद के बीच, बहुत सारी लड़ाकू जनजातियों से सिकंदर का सामना हुआ। भले ही इन लोगों ने सिकंदर की मदद की, लेकिन उसका सफर इतना आसान नहीं था। बहुत सारी लड़ाकू जनजातियों से उसकी लड़ाई हुई, और कई बार तो सिकंदर बाल बाल बच गया। तो चलिए, सिकंदर की एंट्री हो रही है, अब उस पर हम लोग थोड़ा सा आगे देखा जाए। तो क्या मैं बता रहा था आपसे कि सिकंदर का सफर इतना आसान नहीं था। सिकंदर ने जब भारत में प्रवेश किया तो कई खतरनाक और खूंखार लड़ाकू जनजातियों से उसके युद्ध हुए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां पे लिखा जाए, ये चीज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटाता हूं। चलिए हम लोग लिखते हैं कि जब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया तो उसका मार्ग आसान नहीं था। उसका युद्ध कई खतरनाक और खूंखार जनजातियों के साथ हुआ। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन कौन सी जनजातियां थी जिससे सिकंदर टकराया था, उनके नाम भी आपको लिखवा देता हूं। तो चलिए, गेट रेडी फॉर दिस। तो लिखेंगे बच्चों कि सिकंदर ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसका मार्ग आसान नहीं था। ठीक है, कई खतरनाक और खूंखार जनजातियों से उसका सामना हुआ। कई खतरनाक और खूंखार जनजातियों से उसका सामना हुआ। जैसे जैसे बच्चों देखा जाए वो कौन कौन सी जनजातियां थीं जिससे उसकी लड़ाई हुई, तो बच्चों अभिसार, ये कबीले थे बच्चों खतरनाक जनजातियों के, अभिसार, ठीक है। इसके अलावा पुरु, ग्लोग निकाय, ये कबीलों के नाम आपको अपने आंसर में मेंशन करने होंगे। कठ, कठों का उल्लेख चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में किया है। कठों को चाणक्य ने शस्त्रोपजीवी कहा है, मतलब यहां के लोग सैन्य कार्य करते थे। कठ नोट कर लीजिए।
स्वभूति और शिवी शिवी छुद्रक मालव अम्बस्ट मालव अम्बस्ट मद्र। बच्चों ये कबीले थे जिनसे सिकंदर की लड़ाई हुई। ये बड़ी खूंखार कबीले थे। कई बार ऐसा हुआ कि सिकंदर की जान जाते जाते बची थी। मतलब बहुत डेंजरस ये कबीले थे। ऐसा नहीं था कि भारत में एंट्री उनकी अच्छी हो गई। एंट्री बहुत दमदार थी इन लोगों की। लेकिन यहां पर बच्चों कमी क्या थी ना, अगर ये एक होकर सिकंदर से सामना करते ना तो शायद भारत के द्वार पर ही सिकंदर को रोका जा सकता था। लेकिन इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर की इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत थी कि ये जो कबीले थे उसकी इच्छा शक्ति के सामने ठहर नहीं पाए और बिखर गए। तो लिखेंगे बच्चों यहां पर के आगे, है ना, इसको पहले नोट कर लें आप सभी, फिर हम लोग लिखते हैं। आप सभी इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। कहा जाता है कि ये कबीले बहुत जोरदार लड़े, लेकिन ना बच्चों वास्तव में युद्ध जो होता है वो इंसान की इच्छा शक्ति के इच्छा शक्ति से होता है। बच्चों रियल में आपसे बता, आपका विल पावर ही डिसाइड करता है कि आपका स्थान कहाँ होगा। तो विल पावर बहुत मायने रखता है। मैंने यूपीएससी सीएससी की तैयारी में भी देखा है कि बच्चे घर से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आते हैं, लेकिन वही बच्चे स्टे कर पाते हैं जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर विल पावर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि सिकंदर का सामना किन किन जनजातियों के साथ हुआ, सिकंदर का सामना किन किन खतरनाक जनजातियों के साथ हुआ। तो उनके नाम अभिसार, पुरु, ग्लौग निकाय, कठ, सौभूति, शिवी, शुद्रक, मालव, अम्बस्ट, मद्र। यहाँ पर बच्चों एक हल्का सा करेक्शन मैं करने जा रहा हूँ। करेक्शन ये है कि ना यहाँ ग्लोब निकाय मैंने बोला था, इसको कर लीजिएगा। ग्लोब निकाय ग्लोब निकाय कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए इस चीज को, ग्लोग निकाय। तो ये सारे जो कबीलों के नाम हैं ये आपको नोट करने जरूरी हैं, क्योंकि कभी-कभी प्रश्नों में इनके नाम पूछे जाते हैं। तो प्लीज इसको नोट करना है बच्चों। तो आगे हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों वही चीज़ ना कि सिकंदर की इच्छा शक्ति, एक प्रबल इच्छा शक्ति का वो मालिक था। कई चीज़ें थी, एक तो ये कबीले बहुत बहादुर थे लेकिन इनमें एकता नहीं थी। दूसरी तरफ शत्रु जो है वो एक था और उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो ये दोनों ही चीजें लिखेंगे। यहां पर एक प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि इतने खतरनाक कबीले सिकंदर से युद्ध में पराजित हुए। तो इसके पीछे बच्चों दो कारण तो साफ दिखाई दे रहा है। एक तो कारण ये है कि इनमें एकता की कमी थी, ठीक है। दूसरी चीज ये भी थी कि ये परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, इनके पास सिकंदर की तरह से अत्याधुनिक हथियार भी नहीं थे। और तीसरी चीज ये है कि सिकंदर की इच्छा शक्ति के आगे ये कबीले नहीं टिक पाए। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, इसका ना एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि इन कबीलों की इन खतरनाक
सबसे बड़ा कारण था इनमें एकता नहीं थी, इनमें एकता नहीं थी मतलब ये अलग अलग लड़े सिकंदर थे तो इनमें एकता नहीं थी। इनमें एकता नहीं थी सबसे बड़ी चीज है बच्चों, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त सिकंदर अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, सिकंदर अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। एक प्रश्न होता है ना आपके सामने, मन में आता है ना कि यार क्या बात था, व्हाट वाज द रीजन कि ये इतने खूंखार और बहादुर कबीले क्यों डिफीट हो गए। तो पहली चीज की लैक ऑफ द यूनिटी, एकता का अभाव था। पहली चीज समझ में आ गई बच्चों, इनमें एकता नहीं थी, ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा कारण ये था कि सिकंदर अत्याधुनिक हथियारों से लैस था, ठीक है। और तीसरी जो चीज थी सिकंदर के आत्मविश्वास के सामने, विल पावर के सामने, ये कबीले टिक नहीं पाए। सिकंदर का आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस। और मैंने आपसे यही कहा है बच्चों कि दुनिया की कोई भी जो लड़ाई होती है ना, वो उसमें सबसे असल चीज जो होती है वो आदमी का कॉन्फिडेंस होता है। आज आप यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें पता है सबसे मेन चीज क्या है? योर कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विल पावर है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे कठिनाइयों के सामने टूट भी जाते हैं, वो ड्रॉबैक कर जाते हैं, लेकिन वही जो है बच्चा कामयाब होता है, जो बच्चा जो है वो अंत तक लड़ाई में शामिल होता है, जो अंत तक लगा रहता है। समझ में आ गया आप लोग? अच्छा, यहाँ पर अभी सिकंदर का सामना किसी शक्तिशाली राजा से नहीं हुआ था, सिकंदर का सामना किसी शक्तिशाली भारतीय राजा से नहीं हुआ था, ये तो छोटे छोटे कबीले थे ना। तो अब जो है सिकंदर जब आगे बढ़ा, कहा जाता है कि झेलम और चनाव नदी के बीच, कहा जाता है कि जब वो आगे बढ़ा, झेलम और चनाव नदी के बीच में एक राजा का साम्राज्य था, उस राजा का नाम था पोरस या पुरुराज। तो चलिए देखा जाए, हेडिंग डालते हैं, है ना। इसको इतिहास में करी का युद्ध कहा जाता है बच्चों, करी का युद्ध जो राजा पुरुराज और सिकंदर के बीच लड़ा गया। तो चलिए देखा जाए पुरुराज से युद्ध, हेडिंग डालते हैं पुरुराज से युद्ध, चूंकि ये हेडिंग ज्यादा बढ़िया है, हेडिंग डालते हैं पुरुराज से युद्ध। तो आप पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, पहले लिख लीजिए। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है क्लास में, आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए बच्चों, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारा हौसला बढ़ा देते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं क्लास में वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरे टेलीग्राम की आईडी है, उसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश होगी कि आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें,
यानी इस टॉपिक को कंप्लीट करने की मेरी ख्वाहिश है, बाकी आप सब बताएं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे राजा पोरस से युद्ध। राजा पोरस से युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था बच्चों, ये तकरीबन 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए, अभी तो सिकंदर का मुकाबला छोटे छोटे कबीलों से हो रहा था, लेकिन अब समय आ गया था। सिकंदर जब झेलम और चेनाब नदियों के बीच पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि यहां पर सिकंदर जब झेलम और चेनाब नदियों के बीच पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि यहां एक शक्तिशाली राजा का शासन है, और उस राजा का नाम था पोरस। तो चलिए, सिकंदर जब झेलम और चेनाब नदियों के बीच पहुंचता है, तब उसका सामना तब उसका सामना पुरुराज से होता है ना बच्चों। झेलम और चेनाब नदियों के बीच जिस राजा का शासन था, वो राजा कौन था? पुरुराज। तो सिकंदर जब पहुंचता है, तो सिकंदर जब पहुंचता है, तो एक मैसेज देता है, एक लेटर लिखता है पुरुराज को कि पुरुराज, हम आपके राज्य में आ चुके हैं, अब यहां पर हम चाहते हैं कि आप हमारा स्वागत करिए और हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। हम आपसे युद्ध नहीं चाहते या अनावश्यक लड़ाई नहीं चाहते। और वैसे भी बच्चों, सिकंदर एक डिप्लोमेट था ना, वैसे भी बच्चों सिकंदर एक डिप्लोमेट था। तो पुरुराज के पास जब लेटर पहुंचता है, तो पुरुराज जो है सिकंदर को लिखते हैं कि सिकंदर महान, आप अगर अतिथि बनकर आते हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम अतिथियों की का स्वागत हम अपनी आंखों पे करते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट है कि अतिथि देवो भवः, यानी हम अतिथियों का स्वागत जी जान से करते हैं, लेकिन चूंकि आप एक विजेता बनकर आना चाहते हैं, तो फिर आपकी मुलाकात हमारे घर में नहीं, युद्ध के मैदान में होगी। आप आइए, युद्ध के मैदान में आपसे मुकाबला होगा। समझ में आ गया बच्चों? सिकंदर ने एक मैसेज भेजा था पुरुराज को कि हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। तो पुरुराज ने क्या कहा? पुरुराज ने कहा कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे यहां कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत जी जान से करते हैं, लेकिन चूंकि आप मेहमान बन के नहीं आ रहे ना, आप तो विजेता बन के आना चाहते हैं, तो आपका और हमारा मुकाबला युद्ध के मैदान में होगा। ये बात पुरुराज ने लिखा सिकंदर महान को, और फिर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ बच्चों, जिसको करी का युद्ध कहा जाता है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, करी का युद्ध। ये युद्ध जो है लगभग 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, सिकंदर महान और पुरुराज को भी। करी का युद्ध नोट कर लीजिए। तो आपको तो पता ही है कि इस युद्ध में क्या हुआ था। भाई पुरुराज बहुत शक्तिशाली थे, उनकी सेना बहुत बड़ी थी, और लेकिन लेकिन बच्चों ना, एक कमी थी कि परंपरागत रूप से ये लड़ाई लड़ी थी पुरुराज ने, हाथी बहुत ज्यादा थे, और कहा जाता है कि जो धनुष थे ना सेना में, वो बहुत ही भारी भरकम थे। सैनिकों को धनुष चलाने के लिए उसे जमीन में गाड़ना पड़ता था, और जहां पे ये लड़ाई हो रही थी बच्चों, ये जमीन जहां पे लड़ाई जहां पे ये लड़ाई हो रही थी, जमीन पंकिल थी, यानी कीचड़ युक्त थी, और धनुष को गाड़ कर फिर उस पर जो है तीर चलाने पर जो तीर जो धनुष होता था ना, वो स्लिप करता था, निशाना चेंज हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम थी। तलवार भी भारी भरकम परंपरागत। कहा जाता है कि दूसरी तरफ सिकंदर के पास लाइट वेपन्स थे, उसके सैनिकों के पास ऐसे धनुष बाण थे जो जो घोड़े उसके उसके उस
उसके सैनिकों के पास ऐसे धनुष बाण थे जो घोड़े पर बैठकर वो चला सकते थे। तो यहां पर बच्चों ना, यहां पर देखो बहादुरी के मामले में भारत के सैनिक कम नहीं थे, पुरुराज कम नहीं थे, टेक्निकल इश्यूज के मामले में हम पिछड़ गए। कहने का मतलब यह है कि सिकंदर के पास अग्न्यास्त्र थे, सिकंदर ने देखा कि हाथी खड़े हैं तो सिकंदर ने आग वाले तीर छोड़ने शुरू किए। कहा जाता है कि ये आग वाले तीर जब हाथियों की तरफ बढ़े तो हाथी भड़क गए और हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल डाला था, और इस तरह से बच्चों पुरुराज की पराजय हुई। तो यहां पर ना एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये मैसेज हम आपके लिए है, ये मैसेज कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है कि बच्चों सिर्फ कहने का मतलब कि आप केवल पढ़ रहे हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है। आपको ये भी देखना है कि सामने वाले लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अगर आप दिल्ली के बच्चों से, चूंकि आपका कंपटीशन दिल्ली के बच्चों से, और दिल्ली के बच्चे जो है वो बहुत ही टेक्निकली एडवांस होते हैं बच्चों, यहाँ के जो संस्थान है वहां पर बच्चों को टेक्निकली ट्रीट किया जाता है कि आप कैसे कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट ले सकते हैं। तो बच्चों आपको जानना चाहिए कि दिल्ली में बच्चों की तैयारी कैसी हो रही है। सबसे ज्यादा रिजल्ट दिल्ली से है, सबसे ज्यादा रिजल्ट दिल्ली से आईएएस का। तो आपको कम से कम इस चीज को पता करना चाहिए। और यहाँ पर तैयारी का मामला ये है बच्चों कि यहाँ बच्चे जो है हमेशा नेट से जुड़े रहते हैं, नई नई चीजों पर अपना ध्यान रखते हैं, पेपर लगातार पढ़ते रहते हैं, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को टेक्निक सिखाते रहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये जरूर देखिए कि दिल्ली में तैयारी का क्या माहौल है, यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, और फिर उस तरीके से आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, अगर सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई, ये टेक्निकल मामलों में अगर बराबर होती, अगर पुरुराज और उनके साथी भी टेक्निकल होते, उन्हें जानकारी होती, अत्याधुनिक हथियारों की जानकारी होती, तो शायद क्या होता, पलड़ा भारी हो जाता पुरुराज का। तो समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक है, लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा, इस लड़ाई के बाद सिकंदर ने बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया था। कहा जाता है यूनानी नाच गा रहे थे, जश्न का माहौल था, शाम का समय था। सिकंदर जो है अपने सिंहासन पर बैठकर शराब पी रहा था, और सहसा उसने अपने एक सैनिक को बुलाया, कहा अरे वो पुरुराज कहाँ है यार, बुलाओ उसको, लेके आओ मेरे सामने। क्या बोला था उसने, लेके आओ उसको, पुरुराज को मेरे सामने लेके आओ। मतलब सिकंदर ने क्या बोला कि पुरुराज को मेरे सामने लेकर आओ, जल्दी लेके आओ। पुरुराज को सामने लाया गया, पुरुराज जंजीरों में जकड़े हुए थे और खड़े थे। सिकंदर कहता है, पुरुराज तुमने क्या बोला था, तुमने कहा था कि युद्ध के मैदान में आओ, फैसला होगा, क्या हुआ बोलो। मैंने तुमको बोला था कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तो तुमने क्या कहा कि युद्ध के मैदान में आओ, फैसला होगा। पुरुराज तुम हार चुके हो, यू लॉस्ट, अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या व्यवहार करूं, क्या बिहेवियर, अब बताओ पुरुराज तुम हार चुके हो, अब बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर शराब पी रहा था, यूनानी नाच गा रहे थे। बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न एक बार मुझे 2011 में एक बच्चे ने पूछा था जब मैं एक संस्थान में पढ़ा रहा था, कि वो कौन सी लड़ाई है जिस लड़ाई में सिकंदर महान जीत कर भी हार गया था। तो बच्चों ये वही लड़ाई थी। कहा जाता है कि पुरुराज का जो जवाब था, पुरुराज का जो उत्तर था, वो ऐसा था कि सिकंदर का नशा पूरा उतर गया, यूनानियों का नशा उतर गया। बच्चों पुरुराज ने बोला था, और ठीक वैसे ही जैसे एक शेर जो है चाहे पिंजड़े में हो या जंगल में हो, दहाड़ना नहीं छोड़ता, पुरुराज ने दहाड़ कर बोला था कि सिकंदर महान, मैं हारा जरूर हूं लेकिन मैं एक राजा हूं, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो बच्चों एक जीता हुआ राजा पराजित राजा के साथ क्या करता है, आपको पता है, जानकारी तो है ना। कहा जाता है कि इस जवाब को
इस जवाब को जब सिकंदर महान ने सुना तो उसका नशा ही उतर गया, यूनानियों का नशा उतर गया और सब के सब एकदम शांत हो गए कि कमाल है, जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ एक राजा ये कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जहां एक राजा दूसरे राजा के साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जिसमें एक जीता एक एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। बच्चों कहा जाता है कि सिकंदर के सैनिकों को असली ट्रेलर यहां पे मालूम पड़ा था। अब मैं आपसे क्या कहूं इसके बारे में, सिकंदर महान का पूरा नशा उतर गया, वो अपने सिंहासन की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने लगा। यूनानी सैनिक कलेजे पे हाथ रखे खड़े थे कि क्या होगा, क्या सिकंदर पुरुराज को मार देगा, क्या होगा। जैसे जैसे सिकंदर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। पुरुराज जंजीर में खड़े हैं, वैसे ही खड़े हैं जैसे एक राजा खड़ा होता है। कहा जाता है कि सिकंदर महान पुरुराज के करीब आया और आने के बाद थोड़ी देर तो पुरुराज को वो देखता रहा और फिर उसने जानते हैं क्या किया बच्चों, उसने अपनी बाहें फैलाई और पुरु को गले लगा लिया। उसने कहा कि पुरुराज मैं इतने दिन से लड़ाई कर रहा हूं, मैंने एक से बढ़ के एक राजा देखे और जिस राजा से भी पूछा ज्यादातर राजाओं ने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि सिकंदर हमें माफ कर दो, हमारा राज ले लो, हमारा पार्ट ले लो। यार तुम किस मिट्टी के बने हो कि तुमने मुझसे ये कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है, तो वाकई में तुम शानदार हो यार, वाकई में तुम शानदार हो, वाकई में तुम बड़े हो। इतना कह के सिकंदर ने उसे इतना कह के सिकंदर ने पुरुराज को गले लगा लिया और कहा पुरुराज मैं एक राजा हूं और मुझे बड़े लोग पसंद हैं, आपने जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद बड़प्पन का एहसास कराया, तो जाइए बिना किसी शर्त के मैं आपका राज्य आपको वापस कर रहा हूं। बच्चों ये वही लड़ाई थी करी का युद्ध जिसमें सिकंदर जीत कर भी हार गया था और पुरुराज हार के भी जीत गए थे। तो बच्चों ये कुछ बातें तो यहां पर निकलती हैं कि सिकंदर वाकई में महान व्यक्ति था, उसके अंदर महानता के लक्षण थे। एक बड़ा इंसान ही बड़े इंसान की इज्जत करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे करी का युद्ध के बारे में बच्चों लिखेंगे कि ये एक ऐतिहासिक युद्ध था। जिसमें ये एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें जिसमें पुरुराज पराजित हुए लेकिन सिकंदर ने पुरुराज से प्रभावित होकर उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया था। शानदार था ये लड़ाई, गजब की थी साहब। तो लिख लेंगे करी के युद्ध के बारे में कि जिसमें लेकिन सिकंदर ने पुरुराज से प्रभावित होकर उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया था, अब बिना शर्त। वापस लौटा दिया था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। अब और भी बातें हैं ये ज़रूर आप लोगों से आज डिस्कस करनी है, मुझे कोशिश करनी है कि आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे बस एक मिनट आप दे दीजिए प्लीज़,
गिव मी वन मिनट प्लीज। तो बच्चों आइए फिर वापस हम लोग क्लास में आते हैं और हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। हाँ, सिकंदर के बारे में बातचीत चल रही थी, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर पोरस से युद्ध हो गया। अब ये बच्चों ना कि कहा जाता है कि ये तो एक आप समझ जाइए कि एक ट्रेलर था। सिकंदर के सैनिकों ने अपनी आंखों से देखा कि भाई पिंजरे में जब एक शेर इतना दहाड़ रहा है तो बाहर क्या होगा। और कहा जाता है कि मतलब इस लड़ाई के बाद सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी से कहा जाता है कि सिकंदर जो है ना, सिकंदर की सेना ने ब्यास के पश्चिमी तट से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। देखिए इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो ये था बच्चों के सिकंदर की सेना एक लंबे टाइम से घर से बाहर निकली थी। कई साल हो गए थे उन लोगों को अपने बाल बच्चों से मिले हुए, अपने माँ बाप कई साल हो गए थे उन लोगों को अपने बाल बच्चों से मिले हुए। बहुत से सैनिक घायल थे, बहुत से सैनिक मर चुके थे। एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन बच्चों ये बताया जाता है कि सैनिकों ने सुन रखा था कि गंगा घाटी के उस पार यानी नंदवंश के बारे में कि बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, और वाकई में नंदवंश शक्तिशाली था। तो इन सब चीजों से ना सिकंदर के सैनिकों का जो हौसला था ना वो टूट गया था। और एक चीज है कि सिकंदर एक टीम लीडर था, चाहे जो भी हो उसे अपने सैनिकों से बहुत प्यार था। कहा जाता है कि सैनिकों के हट के आगे सिकंदर ने बहुत कोशिश की उन्हें मोटिवेट करने की, लेकिन अंततः सिकंदर को वापस लौटने का इरादा बनाना पड़ा। तो कहा जाता है कि ब्यास नदी के पश्चिमी तट से जो है सिकंदर आगे नहीं बढ़ पाया और वापस झेलम नदी के पास आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में नोट कर लिया जाए। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर, सिकंदर की वापसी। चलिए बात करेंगे सिकंदर की वापसी, सिकंदर की वापसी। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देख लिया जाए इसको, सिकंदर की वापसी। तो लिखेंगे कि सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट से है ना, ब्यास नदी के पश्चिमी तट से आगे बढ़ने से मना कर दिया। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुक जाएं। एक मिनट बच्चों, आप सभी एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए क्या कहा जाए। हाँ, ब्यास नदी के पश्चिमी तट से आगे बढ़ने से मना कर दिया, यही ना। आगे बढ़ने से मना कर दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे कि इसके पीछे कई कारण थे, चलिए कारण भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके पीछे कई कारण थे। पहली चीज तो वो कई वर्षों से अपने घर से बाहर थे,
अब देखिए बच्चों, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं। अब सवाल चाहे जहां से आए, वो कई वर्षों से अपने घर से बाहर थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे नंबर पर काफी सैनिक घायल थे, काफी सैनिक घायल थे और काफी मर चुके थे। काफी सैनिक घायल थे और काफी मर चुके थे। अब काफी मर चुके थे, समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई वर्षों से अपने घर से बाहर थे और काफी मर चुके थे, ये चीज नोट कर लीजिएगा। कुछ कारणों पे हम यहां पर इस कारण पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों सिकंदर वापस जाने पर मजबूर हो गया, आखिर उसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है ना? तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, चूंकि ये पूरा का पूरा एक एनालाइज टॉपिक है बच्चों। मतलब यहां पर मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो या ऑप्शनल भी हो। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है तो भी आपको बहुत सी चीजें यहां से मिल जाएंगी। चलिए, तो काफी सैनिक घायल थे और काफी मर चुके थे, इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना? ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या कारण थे कि सिकंदर जो है वापस जाने पर मजबूर हो गया। तो यही दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आगे लिखेंगे बच्चों। तीसरा जो पॉइंट है आप लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, कि सिकंदर के सैनिकों ने सुना था सिकंदर के सैनिकों ने सुना था गंगा घाटी के उस पार एक बहुत बड़ी शक्ति है। गंगा घाटी के उस पार एक बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है? तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सिकंदर ने वापस जाने का इरादा किया। कहा जाता है कि सिकंदर जो है वापस झेलम नदी के निकट आ गया और यहां से वापसी का जो इलाका है वो शुरू हो गया। तो मैंने आपसे बताया ही था कि ब्यास और झेलम का जो क्षेत्र है वो पुरुराज को वापस कर दिया उसने। झेलम और सिंध के बीच का इलाका जो है वो गांधार राज आंभी को दे दिया गया। चलिए देखा जाए, सिकंदर की वापसी शुरू हुई तो इसमें क्या-क्या घटनाएं हुई थी, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए और हम लोग आगे लिखते हैं। जब सिकंदर वापस होने लगा तो फिर उसने ना कुछ कार्यक्रम किए थे, तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लिया जाए। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि सिकंदर जब वापस हो रहा था तो क्या हुआ, तो लिखेंगे कि सिकंदर ने पुरुराज को झेलम और ब्यास के बीच का क्षेत्र, झेलम और ब्यास के बीच का क्षेत्र दे दिए।
ठीक, और क्या किया था उसने? इसके अतिरिक्त उसने झेलम और सिंध नदी के बीच का क्षेत्र, झेलम और, बच्चों ये सब फैक्ट है भाई, ये सब फैक्ट है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। झेलम और सिंध के बीच का क्षेत्र गांधार राज आम्भी को दे दिया, गांधार राज आम्भी को दे दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त सिंध के पश्चिम भारतीय प्रदेश, सिंध के पश्चिम में भारतीय प्रदेश किसको दे दिया भाई? सेनापति फिलिप्स को दे दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये चीजें क्लियर हो रही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप लिख लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा, कभी ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां पर देख लीजिए बच्चों, सिकंदर ने पुरुराज को झेलम और सिकंदर ने पुरुराज को झेलम और ब्यास के क्षेत्र दे दिए, क्योंकि ना पुरुराज के व्यवहार से सिकंदर बिल्कुल कायल हो गया था पुरुराज का। इसके अलावा बच्चों, झेलम और सिंध के बीच का जो क्षेत्र था वो उसने गांधार राज आम्भी को दे दिया। इसके बाद जो है, सिंध के पश्चिम में जो भारतीय क्षेत्र थे उसने अपने सेनापति फिलिप्स को सौंप दिए थे। करेक्ट है, ये चीजें आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी, चूंकि ना यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी डेप्थ लेके आते हैं बच्चों, काफी गहराई लेके आते हैं। मतलब यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछती है जहां के बारे में हम शायद नहीं सोच पाते। समझ में आ रहा है? मतलब हम जहां पढ़ते हैं वहां से यूपीएससी के प्रश्न नहीं आते, बल्कि जहां हम सोचते हैं वहां से प्रश्न आते हैं। तो ये जो फैक्ट मैंने लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। कहा जाता है कि सिकंदर ने जितने भी क्षेत्र जीते थे वहां पर उसने प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम किया ताकि वहां विद्रोह ना हो। ये भी चीजें थी। तो चलिए हम लोग इसको नोट करेंगे कि सिकंदर ने जो क्षेत्र जीते थे वहां पर उसने प्रशासनिक व्यवस्था की ताकि वहां विद्रोह ना हो, वहां पर सिस्टम चलता रहे। और मंडे से स्पेशल क्लास के लिए रेडी रहिएगा, फ्री स्पेशल क्लास अनएकेडमी के ऐप पर होगी, सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे से। दोनों मीटिंग में हम लोग वहां क्लास लेंगे। आपको पता ही है बच्चों कि अनएकेडमी के हर टीचर को यूट्यूब और स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है बच्चों, ये अनएकेडमी का रूल है। तो इसलिए मुझे भी वहाँ पे क्लासेस लेनी है और वो क्लासेस आपके बिना अधूरी हो जाएंगी। आप सबको चलना है अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे क्लासेस आप देख सकते हैं। चलिए आइए लिखेंगे कि सिकंदर ने भारत में अपने विजित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है?
कहा जाता है कि सिकंदर जब वापस हुआ तो मतलब जो जल सेना थी उसकी, उसे जल सेनापति नियार्कस के नेतृत्व में भेजा गया था, ये आप सबको पता है ना। यानी जब सिकंदर वापस हुआ तो उसने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। जब सिकंदर वापस हुआ तो उसने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक भाग जो है वो जल सेनापति नियार्कस के नेतृत्व में जल मार्ग से वापस हुई, और एक सेना के साथ सिकंदर स्वयं स्थल मार्ग से वापस हुआ। तो वो उस क्षेत्र से वापस हुआ जिस क्षेत्र को उसने जीता नहीं था। कहा जाता है कि वापसी के दौरान भी जबरदस्त लड़ाई हुई। कहा जाता है कि वापसी के दौरान ही उसका प्यारा घोड़ा बाउकेफ्ला मारा गया था। कहा जाता है कि भारत की ही सीमा क्षेत्र में वो घोड़ा मारा गया था, इसलिए सिकंदर महान ने अपने घोड़े की याद में एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा गया था बाउकेफ्ला सिटी। तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों कि वापसी के दौरान ही सेनापति नियार्कस के नेतृत्व में जल सेना को वापस भेज दिया गया। जल सेना को वापस भेज दिया गया। ठीक, ये घटना आपको पता होनी चाहिए कि किसके नेतृत्व में जल सेना को भेजा गया, तो सेनापति नियार्कस के नेतृत्व में। चलिए इसको मिटा के लिखते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए और हम लोग लिख लेंगे। चूंकि सिकंदर का घोड़ा भी यही मारा गया था बाउकेफ्ला, उसकी याद में सिकंदर ने बाउकेफ्ला सिटी नाम का शहर भी बसाया था। चलिए इसको मिटाते हैं। सिकंदर की वापसी से जुड़ी हुई घटनाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आप क्लास से कनेक्ट होंगे और आप बच्चों इतिहास को तैयार करने का केवल एक ही रास्ता है कि इंजॉय द हिस्ट्री, नथिंग एल्स। आप इतिहास को इंजॉय करिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रटेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर कि सिकंदर के वापसी के समय उसका प्रिय घोड़ा बाउकेफ्ला मारा गया। उसका प्रिय घोड़ा बाउकेफ्ला मारा गया। सिकंदर ने उसकी याद में बाउकेफ्ला सिटी नामक शहर बसाया था। नोट कर लीजिए, बाउकेफ्ला सिटी नामक शहर बसाया था। बच्चों बहुत से बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा। बच्चों यही मेरी तरफ से आपको पीडीएफ है। इसके पीछे दो फायदे हैं, एक तो ये है कि आपके अपने हैंड राइटिंग्स में आपके पास नोट्स होगा, दूसरा फायदा ये है कि आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि बिना लिखे आप आईएएस बन नहीं सकते। तो मैं जानबूझ के लिखता हूं ताकि आप भी लिखिए, क्योंकि
क्योंकि आपके लिखने में ही भलाई है, न इन्हीं से निकलेगा न उन्हीं से निकलेगा, न इन्हीं से निकलेगा न उन्हीं से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो बच्चों, अगर आप स्वयं लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में जो है कोई लिखने नहीं जाएगा, वो आप ही को लिखना है। तो हम कह रहे हैं कि जो चीज़ कंपलसरी है, जो एटलीस्ट हम लोगों को करना ही है, उसको हम अभी से क्यों ना करें। तो प्लीज़ अभी से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ थोड़ी थोड़ी देर मेरे साथ लिख अगर आप यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ लिखते हैं तो आपके लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा, ईश्वर की दया से। चलिए, तो ये चीज हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। सिकंदर ने उसकी याद में बहुके फ्ला सिटी, तो ये चीज हो गई बच्चों, उसका प्रिय घोड़ा भी मारा गया। और कहा जाता है कि सिकंदर ना कई खतरनाक कबायली जनजातियों से उलझ रहा था। कहा जाता है कि बहुत सारी जनजातियां, जब वो वापस लौट रहा था तो उसका मुकाबला जो है अम्बस्ट जनजाति से हुआ, मुसिकनोई जनजाति से हुआ, छुद्रक कबीले से हुआ, मालव गण से हुआ। कहा जाता है कि मालव जो लोग थे वो अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए मारे गए थे। कहा जाता है कि कई खतरनाक जनजातियों से वो युद्धरत होते हुए वापस गया। तो हम ये भी लिखेंगे यहां पर, नोट करेंगे यहां पर बच्चों, कि सिकंदर महान जब वापस हो रहा था तो लगातार उसका युद्ध कबायली और जनजातीय क्षेत्रों से हुआ था। एक एक पॉइंट्स को हम लोग नोट करते एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे कि सिकंदर महान जब वापस हो रहा था तो इसका युद्ध लगातार तो लगातार उसका युद्ध कुछ कबायली जनजातियों से हुआ। मतलब लौटने के टाइम में भी वो चैन से नहीं गया, युद्ध करते हुए गया। जैसे अम्बस्ट कबीला, बच्चों एक कबीला था अम्बस्ट, बड़ी जबरदस्त लोग थे मालव गण, छुद्रक, मुसिकनोई, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। ये सारे कबीलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सिकंदर इनसे भिड़ते हुए वापस गया, और बहुत ज्यादा कहा जाता है कि ये कबीले ऐसे थे कि युद्ध प्रिय, ये युद्ध प्रिय कबीले थे। अगर सिकंदर एक योद्धा था तो ये भी युद्ध प्रिय थे, और बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई इन्हीं कबीलों में से। एक कबीले से लड़ते हुए कहा जाता है कि सिकंदर महान जो है उसके जांग में इन्हीं कबीलों से लड़ते हुए सिकंदर महान के जांग में एक तीर लग गया था। अच्छा, लड़ाई के समय तो इतना ज्यादा वो मतलब बिजी था कि उसे ध्यान ही नहीं आया, उसने नॉर्मल तीर की तरह से जांग से उसको निकाला और फेंक दिया। लेकिन बच्चों, दरअसल उस तीर में जहर लगा हुआ था, और कहा जाता है कि वो जहर जो है धीरे धीरे सिकंदर के शरीर में घुलने लगा था। सिकंदर को जो है ना ट्रीटमेंट नहीं मिली। कहा जाता है कि उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला, और कहा जाता है कि धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी,
और बेबीलोनिया पहुंचते पहुंचते 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो हम लोग इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे। अब मैं आपको बता दूंगा कि किस कबीले से लड़ाई में, ठीक है, बता दूंगा, परेशान मत होइए, बताऊंगा किस कबीले से लड़ाई के दौरान उसको तीर लगा, बता दूंगा। तो हम लोग इसको मिटा दिया जाए बच्चों, के कहा जाता है कि वो कौन सा दुनिया का ऐसा योद्धा था जो घायल कहीं और हुआ, मरा कहीं और था और उसे दफनाया कहीं और गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। वो कौन सा विश्व का महान योद्धा था जो घायल कहीं और हुआ, मरा कहीं और था, दफनाया कहीं और गया। सिकंदर महान था वो, लिख लिया जाए यहां पर कि एक कबीले से लड़ते हुए सिकंदर के जांघ में तीर लग गया। सिकंदर के जांघ में तीर लग गया जिसमें जहर लगा हुआ था। सही समय पर इलाज न होने के कारण तीर का जहर सिकंदर के शरीर में फैल गया। तीर का जहर सिकंदर के शरीर में फैल गया। और लिखेंगे कि 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया ले जाते ले जाते उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां पे बच्चों अंत में हम लिख देंगे कि इस प्रकार 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हो गई। दस मिनट और। सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। एक टॉपिक और बच रहा है हम लोगों का कि सिकंदर के अटैक का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये आप देख सकते हैं, ये चीज पहले आप लोग नोट कर लीजिए। एक टॉपिक और हम लोगों का बच रहा है, तो मैं चाह रहा था कि आज इसको कंप्लीट ही कर दिया जाए, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर एक टॉपिक पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए बच्चों, ये जो टॉपिक देखिए, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग चलिए डिस्कस कर ही लिया जाए। ऐसे ही नॉर्मली मैं लिखा तो नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि समय कम है, लेकिन अगर आप मेरा साथ दें, सिकंदर जो है 19 महीने तक भारत में रहा था। कितने समय तक रहा सिकंदर?
19 महीने तक लगभग भारत में उस समय रहा था, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, यहाँ पर हेडिंग डालिए और इसको नोट कर लिया जाए। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, जाहिर सी बात है प्रभाव तो पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ, तो लिखेंगे कि सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत में रहा। कब तक रहा बच्चों? लगभग 19 महीने तक भारत में रहा। इस प्रकार यूनान के इस आक्रमण ने भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। इस प्रकार यूनान के इस आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। करेक्ट है बच्चों, नोट कर लीजिए इस चीज को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। तो चलिए देखा जाए बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के इस आक्रमण ने प्राचीन इतिहास की गुत्थियों को सुलझा दिया। सिकंदर के इस आक्रमण ने इतिहास के सॉरी सिकंदर के इस आक्रमण ने प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि क्रम की समस्या को सुलझा दिया। एंशंट हिस्ट्री में डेट को लेके बड़ा इशू था, है ना बच्चों, लेकिन सिकंदर के इस अटैक ने डेट की समस्या को सुलझा दिया, तिथि क्रम की समस्या को सुलझा दिया। यहां पर आप देख सकते हैं तिथि क्रम की समस्या का समाधान, ये चीज देखिए। तो चलिए हम लोग लिख लें कि सिकंदर के इस आक्रमण ने तिथि क्रम की समस्या को सुलझा दिया। तिथि क्रम की समस्या को सुलझा दिया। आप समझ गए होंगे भाई, सिकंदर के इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर। तो जो तिथि क्रम की समस्या थी बच्चों, वो सुलझ गई 326 ईसा पूर्व के इस अटैक के बाद। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे, इसलिए जल्दी, इसलिए थोड़ा ना तेज लिखने की कोशिश करिएगा। क्लियर हो गई? नोट कर लिया इस चीज को? बताइए। तो मिटा दिया जाए इसको। चलिए चलिए देखा जाए कि तिथि क्रम की समस्या सुलझ गई, यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का ये जो आक्रमण हुआ, उसने भारत में तिथि क्रम की समस्या को क्या कर दिया बच्चों? सुलझा दिया। हालांकि देखिए, एक चीज कहा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण का बहुत गहरा प्रभाव तो नहीं पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर के आक्रमण के कुछ समय के बाद ही उसके द्वारा विजित प्रदेश क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि ये कबायली क्षेत्र थे ना, ये कबायली इलाके थे, तो विद्रोह होने लगे और धीरे धीरे वो सभी क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सिकंदर महान ने रास्ता आसान कर दिया। तो लिखेंगे कि सिकंदर के द्वारा विजित क्षेत्र बहुत लंबे समय तक यूनान के प्रभाव में नहीं रहे,
हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको आसानी से थोड़ा लिखेंगे कि सिकंदर के द्वारा विजित क्षेत्र बहुत जल्दी ही स्वतंत्र हो गए। बहुत जल्दी ही स्वतंत्र हो गए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है बच्चों कि सिकंदर महान ने जो क्षेत्र जीता था ना, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर जो कबायली शासन था उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा। कहा जाता है कि यहां की जो शक्ति, यहां जो शक्तिशाली कबायली शासन था वो उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि सिकंदर महान के अटैक के द्वारा वहां की जो बड़ी शक्तियां थी वो कमजोर हो गई थी। तो हम ये भी लिखेंगे कि सिकंदर महान ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। सिकंदर के इस आक्रमण के बाद भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीतना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आसान हो गया। जीतना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आसान हो गया। आसान हो गया। क्लियर है? एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चों एक चीज और कि सिकंदर के इस अटैक के कारण भारत का कुछ क्षेत्र यूनान के प्रभाव में आया, और एक बार फिर भारत का जो संबंध है वो पश्चिमी संसार के साथ हो गया। तो कहीं ना कहीं से इसके कारण हमारे व्यापार को काफी ज्यादा इससे फायदा हुआ था। तो हम लिख सकते हैं व्यापारिक फायदे के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यापार में समृद्धि हुई, हमारा व्यापार बढ़ा था। ठीक है ना? तो लिख लेंगे इस चीज को कि सिकंदर के इस आक्रमण के कारण भारत का कुछ क्षेत्र पश्चिमी संसार से जुड़ गया, जिसके कारण भारतीय व्यापार को काफी लाभ हुआ। नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लेंगे कि सिकंदर के इस आक्रमण के कारण भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विश्व से जुड़ गया, अतः इसका लाभ भारतीय व्यापार को मिला, अतः इसका लाभ भारतीय व्यापार को मिला। नोट कर लीजिएगा बच्चों इस लाइन को। थोड़ा सा हम लोग हल्का सा तेज हो जाएंगे यहां पे। ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को? अच्छा, सबसे बड़ी चीज है बच्चों कि सिकंदर के इस आक्रमण ने एक बहुत बड़ा प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा कर दिया कि सारी दुनिया में यह मैसेज गया था कि भारत में एकता की कमी थी। कहने का मतलब यह बच्चों कि एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा भी हुआ और उसका हल भी मिला कि उस समय वास्तव में सबसे बड़ी जरूरत थी देश में एकता की। ठीक है ना? मतलब भारत की सुरक्षा के लिए
एक शक्तिशाली सेना और एक शक्तिशाली नेतृत्व शक्ति की जरूरत थी। तो हम लोग लिखेंगे कि सिकंदर के इस आक्रमण के द्वारा ये साबित हो गया कि उस समय भारत में एक शक्तिशाली सेना और एक शक्तिशाली सेना और एक योग्य नेता की आवश्यकता थी, एक काबिल राजा की आवश्यकता थी, एक योग्य राजा की आवश्यकता थी, एक योग्य राजा की आवश्यकता थी। और इस कमी को किसने पूरा कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा कर दिया। एक योग्य राजा की आवश्यकता थी और इस कमी को अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा कर दिया। तो नोट कर लीजिए बच्चों, एक योग्य राजा की आवश्यकता थी एक योग्य राजा की आवश्यकता थी ठीक है। आगे लिखेंगे कि इस कमी को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा कर दिया। पूरा कर दिया ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये चीज एकदम क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर, ठीक है ना। भारत में यूनानी बस्तियां भी बसी तो थोड़ा बहुत तो आदान प्रदान हुआ ही था संस्कृति का, ये चीज हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चों लास्ट में एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए, सोमवार से स्पेशल क्लास, ठीक, कैसी क्लास है ये? फ्री क्लास, यानी इसमें किसी भी प्रकार का पैसा या पेमेंट नहीं लगता, इसको ध्यान से सुन लीजिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समय क्या होगा? सुबह में 11 बजे से और शाम में 8 बजे से। तो ये दोनों टाइम आपको नोट करना है। मंडे से यूट्यूब की जगह पर स्पेशल क्लास वाले प्लेटफॉर्म पे आइए, अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर सर्च करिए मोहम्मद नदीम, ये जो मेरा प्रोफाइल है बच्चों, इसको आप सर्च करेंगे, ये जो मेरा प्रोफाइल है इसको सर्च करिए अन अकेडमी के ऐप पर, और ठीक सुबह में 11 बजे से और शाम को 8 बजे से आपको क्लास से जुड़ जाना है। ये क्लास एकदम फ्री होगी, इसका कोई पेमेंट नहीं लगेगा। आप लोग आराम से आइए अन अकेडमी के ऐप पर, बस यूट्यूब की जगह अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्लासेस होंगी। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि अन अकेडमी के एजुकेटर्स को यूट्यूब पर भी पढ़ाना, अन अकेडमी के एजुकेटर्स को यूट्यूब के अलावा अन अकेडमी के ऐप पर पढ़ाना पड़ता है ना। तो बच्चों हमें यूट्यूब पर भी पढ़ाना पड़ता है, अन अकेडमी के ऐप पर भी पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आपके बिना सब कुछ अधूरा है। तो प्लीज आप सब आएंगे सोमवार को 11 बजे सुबह और 8 बजे शाम। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप अन अकेडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यूज करिए रेफरल कोड MNUS, ठीक है। ये रेफरल कोड यूज करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी टीचर की क्लास को आप कर सकते हैं, किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए बच्चों क्लास को और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।
जी हाँ बच्चों,